सकता हूँ कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की एक बड़ी घटना घटी थी जिससे कोई राज्य सरकार ने सबक लेने का काम नहीं किया। उस मुख्यमंत्री को महिला दिवस पर जाकर संबोधन करने का क्या अधिकार है? बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी इस मामले को पूरी तरह सीबीआई के तहत जांच कराने की मांग करती है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। पटना का गायघाट शेल्टर होम मामला लगातार सुर्खियों में, और पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो पटना के महिला थाने में 2 FIR दर्ज हुआ है, और जिस प्रकार से अभी तक 3 पीड़िताओं ने वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पीड़िता की वकील है मीनू कुमारी ने कुछ दिन पूर्व जो SIT बनी है उसमें 3 से 4 पुलिसकर्मियों के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया, और सीधे तौर पर कहा कि 3 से 4 पुलिसकर्मी जो पहले भी इस तरह के मामले में आईओ रहे हैं, अनुसंधान करता रहे हैं, लेकिन अगर उनके रिस्पॉन्स की बात कर ली जाए, काम करने पर बात कर ली जाए, तो उन पर दाग है और अभी तक वंदना गुप्ता जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार इसको लेके सवाल उठाया जा रहा है, लगातार पीड़िता की वकील जो है वो सवाल उठा रही है। लोजपा के तरफ से भी इसको लेके हल्ला बोला गया था। हमारे साथ बात करने के लोजपा के वरीय नेता राजेश भट्टजी, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आपने राजभवन मार्च भी किया था, पटना शेल्टर होम मामला भी उठा रहे, लेकिन आखिर कारण क्या है कि 2 FIR दर्ज हो जाना? स्टार्टिंग में जब पीड़िता यही थाने गई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बाद कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद देखिए FIR दर्ज हो गया, लेकिन काफ़ी गंभीर मामला है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, और जो SIT की टीम बनी है उस पर 3-4 पुलिसकर्मियों पर जो पीड़िता की वकील है मीनू कुमारी ने भी सवाल खड़ा कर दिया। अमिताभ दास जी लगातार बोल रहे हैं कि 4 मंत्रियों को सप्लाई किया जाता है जो पूर्व IPS है, हमारे पास सबूत है, हमारा बयान लिया जाए। आखिर लगता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। देखिए, मैं कहता हूं कि SIT पर सवाल करने से पहले तो SIT के गठन करने वालों पर सवाल खड़ा होता है। अगर SIT गठन करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नीयत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है, तो SIT गठन करने का क्या मतलब? कल आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर तमाम महिला संगठनों ने सड़क पर आने का काम किया। उसके बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में हमने राजभवन मार्च जो है निकाला, जिसमें आम आवाम बिहार की तमाम युवा महिला तमाम वर्ग के लोग उसमें राजभवन मार्च करने का काम किया। तो आपने समझा होगा कि जब यहाँ पीड़िता चीख चीख के चिल्ला रही थी कि मेरे साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, लगातार ऐसी कई कुकृत्य की बात उन्होंने अपने बयान में कही थी, बावजूद थाने में SP के द्वारा FIR का सिर्फ प्राथमिकी दर्ज ना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर कोर्ट का कॉग्निगेंस नहीं होता, सुओ मोटो के तहत वो कॉग्निगेंस नहीं लेता, तो शायद मैं समझता हूं कि FIR भी दर्ज नहीं होता। सरकार ने तो पूरी मन बना ली थी इस पर क्लीन चीट देने की, और वंदना गुप्ता के पीछे किसकी किन किन तत्वों का हाथ है वो अब धीरे धीरे उजागर होने की बात हुई है, तो लोगों में बौखलाहट है, और उस बौखलाहट की परिणति है कि आज जो है इस मामले को एनी हाउ हुक्स एंड क्रुक्स दबाने की प्रवृत्ति जो है सरकार की, अपनी कमियों को छिपाने की जो प्रवृत्ति है सरकार की, वो बदस्तूर जारी है। लगातार वंदना गुप्ता को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सत्तारूढ़ दल के सफेदपोश लोगों का नाम शामिल हो रहा है, कई अधिकारी इसमें फंसने वाले हैं, तो आप समझ रहे हैं। अमिताभ कुमार दास पूर्व IPS अधिकारी ने भी इस पर कहा है कि हम बयान देंगे, कई नामों को साक्ष्य के साथ उजागर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों को दबाने के लिए इस मामले पर पूरी लीपापोती करने को लेकर सरकार पूरी तरह आमादा है। अब देखिए क्या होता है, SIT पर तो उंगली उठना एकदम वाजिब है, क्योंकि SIT तो मन के मुताबिक जो लोग हैं चयनित करके रख दिए गए हैं SIT में। देखिए, इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए कोर्ट को सामने आना चाहिए, कोर्ट के किसी अधिकारी द्वारा, या मामले की CBI जांच होनी चाहिए। CBI की मांग करते हैं, बिल्कुल CBI की मांग करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष CBI से जांच की मांग किए थे। आप बताइए, कल महिला दिवस पे मुख्यमंत्री जी एक से बढ़ के एक भाषण देंगे, महिलाओं की बात करेंगे, और आप बताइए कि जहां महिलाएं बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस मुख्यमंत्री को महिला दिवस पर जाकर संबोधन करने का क्या अधिकार है? CBI की मांग करते हैं, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी इस मामले को पूरी तरह CBI के तहत जांच कराने की मांग करती है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके, कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित हो। लोक जनशक्ति पार्टी यही चाहती है।
ताकि वो फिर से ऐसी कोई भी घटना ना घट से। इससे पहले भी आप देने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की एक बड़ी घटना घटी थी, जिससे कोई राज्य सरकार ने सबक लेने का काम नहीं किया। सीधे तौर पे राजेश भट्ट जी थे, सीधे तौर पे इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से लीपापोती हो रही है, राजेश भट्ट और लोजपा की तरफ से ये मांग की गई है पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। रोहित, NBC 24 पटना।